कितनी मोटी हो रही है, खा खा के मोटी होवेगी। लड़कियों के लड़कियां ये कमेंट कर रही हैं, शेम ऑन यू गर्ल्स, शेम ऑन यू सीरियसली। कि तुम्हें भी पता है कि लड़की में क्या क्या चेंजेस आते हैं। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपके। रेडी वाले हैं, इतना खुश हो के क्यों बना रहे हो? सो कल मेरा मूड ऑफ था, ब्लॉग में देख लिया होगा कि भाई क्रेविंग्स पूरी नहीं। तो आज मैंने छोले भटूरे आए गए हैं तो रेडी वाले मंगवाए हैं। अब देखते हैं यहाँ की रेडी वाले छोले भटूरे में अच्छा टेस्ट है या नहीं है। ये मैं पानीपत वाले से कम्पीट करूंगी अभी भी, क्योंकि मैंने वही के खाए हैं अभी तक। तो टेस्ट करते हैं। 30 रुपए के हैं बस। तो 30 रुपए के अकॉर्डिंग सही है, पर कोक तो शाम को भी दे देते हैं। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। छोले भटूरे चाहिए थे तुम्हें, वो तुम्हें मिल गए। मेरा सस्ते में काम हो गया तो मैं क्या करूँ? तुमने बोला रेडी वाले वो 30 रुपए में आ गए, और मैं बोल रहा था मिलन से वो 250 रुपए के शायद, कहती नहीं नहीं रेडी वाले लाना। रेडी वाले में ना ज्यादा टेस्ट होता है, मतलब 30 रुपए के अकॉर्डिंग अच्छा है टेस्ट। और आज का ब्लॉग कह रही हूँ ना कि स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं किसी की कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और अच्छे वाला रिप्लाई करूंगी। तो पहले खा लूं, ठंडे हो जाएंगे, ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। लड़ाई वड़ाई मत करना, ठीक है? सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी आज। वैसे तो मैं कभी किसी की कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, नेगेटिव कमेंट्स का, तो आज मैं कर रही हूँ वो भी वीडियो ब्लॉग के थ्रू। सो कमेंट ये है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। उफ कितनी मोटी हो रही है, खा खा के मोटी होवेगी थी, दी भी बोल रही है और एक टोन ये है कि खा खा के मोटी होवेगी। तो बहन मैं अपना खा रही हूँ, अपने पति का खा रही हूँ, तुम्हारा नहीं खा रही अगर खा के मोटी हो रही हूँ तो। और एक सबसे जाहिल बात पता है क्या, एक लड़कियों की लड़कियां ये कमेंट कर रही हैं, शेम ऑन यू गर्ल्स, शेम ऑन यू सीरियसली। कि तुम्हें भी पता है कि लड़की में क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर मैरिज, हॉर्मोन चेंज, प्रेगनेंसी और मिसकैरेज, पता नहीं क्या क्या चेंज होते हैं, और कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, पर भगवान की दया से कोई बीमारी नहीं है मुझे। पर यार सीरियसली, तुम लड़की हो के एक लड़की को जज कर रही हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर रही हो कि खा खा के मोटी हो जाओगी। चलो ठीक है, मैं तो खा के मोटी हो रही हूँ, चाहे मैं खा के भी मोटी नहीं हो रही हूँ, हो रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मोटापे से। आपको है या मतलब कि आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया और वो उनकी थोड़ी बॉडी चेंज होगी, होगी जीरो फिगर तो होगी नहीं, तो आप अपनी मम्मी को भी ये बोलते हो कि खा खा के मोटी हो रही है मम्मी, उफ मम्मी कितनी मोटी है, इस टोन में बात करते हो क्या आप? मतलब इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है आपके अंदर। और आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप ये 25 या इस एज की होगे तो सच्ची में आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दोगे, ये नेगेटिविटी डालोगे अपने बच्चों के अंदर, ये परवरिश दोगे? यार तुम खुद नेगेटिव, कैसी सराउंडिंग, कैसी अपब्रिंगिंग में रह रहे हो आप सब? एक लड़की हो के लड़की को ऐसा बोल रहे हो उसकी फिगर के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में। और पहले तो मतलब कि अगर कोई लड़का कमेंट कर दे ना तो क्या कहते हैं, ओह घर में महाबहन नहीं है क्या, घर में ये नहीं है क्या, यार तुम तो लड़की हो अब तुम्हें कौन बोले? सोच समझ के बोला करो कुछ, ठीक है? और रही बात, चलो मैं मोटी हुई, मुझे पता क्या क्या कारण है, हाँ मेरा मिसकैरेज हुआ था शादी के 1-2 महीने बाद, तो होगी उससे, पता है सबको कि मिसकैरेज होने के बाद वेट गेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पतली हो जाऊंगी, क्या पता अब मैं मोटी हो रही, मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, आने वाले 1 साल बाद 1.5 साल बाद 2 साल बाद मैं हो जाऊंगी पतली। तो आप क्यों सोच रहे हो ये? और यार अगर कोई लड़की मोटी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब अगर कोई लड़की मोटी हो रही है कोई प्रॉब्लम है? आपकी मम्मी भी कोई जीरो फिगर की नहीं होगी, उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है, या वो फिगर नहीं संभाल पाई, और हाउसवाइफ ऐसी होती है कि अपनी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, तो उन पे आप शेम करोगे? एक लड़की होना, एक वाइफ होना या एक मदर होना, वो तो प्राउड की बात होती है ना, वो अपनी बॉडी का भी ध्यान नहीं रख पाती, बस थोड़ा सोच के बोला करो ना। और ना सबसे ज्यादा हार्ट क्या चीज करती है कि एक लड़की ही दूसरी लड़की को बोल रही है, कोई लड़का नहीं बोल रहा। फेक फेमिनिज्म वाली लड़कियां ना, जो फेक फेमिनिज्म का झंडा लेके जाती हैं, वही हो आप सब, मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर आप पे आप ना उन्हीं लड़कियों में से हो जो जिनको टारगेट किया गया तुम्हारी बॉडी शेमिंग, तुम्हारे कलर के ऊपर, क्योंकि कहीं और तो तुम अपना
उनके सामने तो तुम बोल नहीं सकते, कमेंट्स में ये रोब झाड़ते हो कि हाँ भाई ये ऐसे लग रही है, ये ऐसी है, ये इसका, ये इसका वो है, ठीक है। कंपैरिजन जो करना होता है तो प्लीज करना बंद कर दो, इस नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाओ, आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर नेगेटिविटी से आपको पैसे मिल रहे हैं तो भाई फैलाओ नेगेटिविटी, अपनी सोच, अपनी आसपास की परवरिश या कुछ भी है उनको दो बढ़ावा, आपका जा रहा है। क्योंकि आप जैसी लड़कियां कभी तरक्की तो कर नहीं पाओगे, इतना मुझे पता है। सो यही कहना चाहूंगी, शेम ऑन यू ऐसी लड़कियों के लिए। सो गाइस, ये तो होगी उन लड़कियों नेगेटिव सोच के बारे में बात, जो मेरी आईडीज पे नेगेटिव एक दो लड़कियां ही कमेंट करती हैं। लड़कियों तो आज तक मैंने देखा नहीं कोई नेगेटिव कमेंट करते हुए। एक लड़के के कमेंट बताती हूँ यार, कि भाई मतलब अनी के ऊपर कमेंट की हुई है कि भाई आपकी वीडियो देख देख के मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। कहते हस्बैंड तो ऐसे होते हैं, तो बहन अपने पति के पास वापस आ जा। क्योंकि मैं ये कहूंगी कि दोनों को ही बराबर का साथ निभाना चाहिए रिश्ते में, दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम बॉन्डिंग होनी चाहिए। हमारे बीच में बस यही है कि हमारी जो बॉन्डिंग है ना, जो आप रील्स में देखते हो, टू बी ऑनेस्ट, इसका जवाब मैं थोड़ा सही से दे सकता हूं। नहीं, मैं ये रियल है ना, रियल बताने दो। अच्छा, मुझे तो ये रियल है कि जो आप हमारी रील्स में हमारी केमिस्ट्री देखते हो, हमारी बॉन्डिंग देखते हो ना, रियल लाइफ में वो वही है। हम आधी 10% अपनी रील में ले आते हैं, बाकी 90% हर टाइम तो कैमरा नहीं लगा सकते। सो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, ऐसे हस्बैंड वाइफ की थोड़ी केमिस्ट्री बढ़ती है तो उनके बीच में प्यार बना रहता है। और बाकी इस चीज का रिप्लाई हम ही देंगे। तो मैं ऐसे दे देता हूँ क्योंकि मैं शर्ट लेस हूँ। तो देखो मैं तौलिया दे। हाँ। तो भैया मेरे, मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ हूँ, बट जो भी जो आपकी वाइफ है, यानी कि मैं भाभी बोल देता हूँ, जो आपको छोड़ के गई है, इफ इन केस ये सच है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाभी जी ऐसा मत करो। क्योंकि जब हम आजकल इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या यूट्यूब्स पर जो भी देख रहे हैं, वो एक तरीके की सोशल मीडिया लाइफ है। सी, मैं जहां तक अपने बारे में बात करूं, मैं शुरू से ही ऐसा जीता आया हूं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो, ऐसा नहीं है ना। देखो, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, बट मैं इंजीनियर नहीं हूं आज, राइट? मैं इंजीनियरिंग नहीं हूं, मैं इंजीनियरिंग की जॉब नहीं करी मैंने स्टार्टिंग से, मैंने कुछ है, बट मैंने अपनी लाइफ इस तरीके से जी है, मैंने दूसरे फील्ड में बहुत बढ़िया काम करा है। तो हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग होती है। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं बढ़िया डांस करके या रोमांटिक तरीके से जीता हूं तो हर कोई ऐसा नहीं है। देखो मैं क्यूट हूं और ये थोड़े खड़ूस हैं, सो वो अभी असली सही में आपको पता ही नहीं है। आपको तो सच्ची में 10% ही दिखता है, इसको पता है कि जीना आराम कर रखा है मैंने इसका। बाकी भाभी जी आप मान जाओ और भाई के पास वापस आ जाओ। ऐसा मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है, हर किसी में एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर कोई हर किसी की तरह नहीं बन सकता, ना हमें किसी की तरह बनना चाहिए, हमें अपनी तरीके से रहना चाहिए। अब प्रीत को जॉन इब्राहिम पसंद है तो अब ये मेरे को बोलेगी जॉनी ब्राइम की तरह, जॉनी ब्राइम की तरह, मैं इसका मुंह तोड़ दूं। मैं तो इनको जॉनी ब्राइम कहती हूँ, झूठ बोलते हैं। सो गाइस, पता क्या है, देखो हमसे मतलब ये मत बोलो कि यार हमारी वजह से, हमारे प्यार की वजह से घर टूट रहे हैं। घर मत तोड़ो यार, मतलब थोड़ी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को टाइम दो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, तो आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मेरे साथ ये लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपको कहना चाह रही थी कि मतलब हाँ, मैंने वो एक चीज़ क्लियर नहीं करी थी कि वो खाने की वजह से मेरा फैट नहीं बढ़ रहा। मेरा फैट तो क्योंकि शादी से पहले मैं इससे डबल फास्ट फूड खाती थी, नहीं बढ़ा था, खाने की वजह से नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, बताऊंगी मैं आपको। एक रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि क्यों फैट गेन हुआ था मेरा, और एक अब क्यों फैट गेन हो रहा है ये रीज़न भी मैं बताऊंगी आपको कुछ टाइम के बाद। सो अगर मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। एंड इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ नाउ।